कि ऑपरेशन एमबीबीएस में उतना ही एमबीबीएस है जितना गुलाब जामुन में गुलाब होता है। आम्ही सहा जणींमध्ये घेतला होता, तर जर बाकीचे रेडी झाले असते तर मग मी दिलं असतं कदाचित। म्हणजे मला फुकट मिळालं असता तर 1,000 कमी दिले असते फुकट ना। आय पेड फॉर माय बोनसेट, सो ऑब्व्हियसली आय वुड एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। सो या इफ इन केस आय वुड गेट, आय वुड हॅव गॉट इट फॉर फ्री, देन आय वुड हॅव पास्ड इट ऑन फॉर अ बिग नो, क्योंकि बोनसेट बहुत महंगा आता है। नाही, मी बोनसेट दिला नसता कारण सध्या महागाई खूप वाढलेली आहे आणि त्यातच मी एक दुकानदार आहे। आय हॅड आयडिया अबाउट सीपीआर इज बिकॉज वी हॅड अ वर्कशॉप, बट आय हॅड नो गट्स दॅट आय गो अँड गिव्ह सीपीआर टू एनी पर्सन। नो, आय डिड नॉट हॅव दी गट्स, आय वुड हॅव डायल 108 अँड waited for an ambulance, because CPR is a very complicated procedure. Like, it's very easy, but if not done properly it can cause more damage than harm, so I would have called an ambulance. Nahi, first year la amala CPR mhanje kay aste hech maiti nahota, so mi dilas nasta. Majhe te devde guts nahote sa, pan mi konantri bolala asta seniors la vagare asle प्रयत्न केला असता पण पेशंट वाचला असता काय त्याची गॅरंटी नाही। आय हॅड नो आयडिया अबाउट सीपीआर वॉज इन फर्स्ट अँड फर्स्ट इयर, आय केम टू नो अबाउट इट इन माय सेकंड इयर, सो आय वुड हॅव कॉल्ड अ सिनियर टू हँडल द सिच्युएशन। म्हणजे फुल फॉर्म ऐकलं होता पण मूवीमध्ये बघितलं तसं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केला असता। अबे साले, मला अशी खूप आयडिया नव्हती, तर मग मी स्वतःहून तर काही केलं नसतं, म्हणजे मी स्वतःहून तर दिला नसतं, मी ॲम्ब्युलन्स वगैरे बोलवली नाही, मी तर नसतं दिला कारण की मला सीपीआर आणि सीआरपी दोघांमध्ये फरकच माहीत नव्हता। आय गेस पासिंग इज ऑल दॅट मॅटर्स इन एमबीबीएस। लॉल, पी वर्ड पास, अल्टिमेटम। वी गिव्ह पार्टीज इफ वी पास। पास होने मैटर करते, चौथा है ना। नहीं, रैंक क्या ही होता है। कमिंग फोर्थ इन अ मेडिकल कॉलेज डजंट मैटर। यहाँ पे हम लोग हर एग्जाम से पहले बस इतना ही सोचते हैं कि बस हमको पास होना है, उसके अलावा कुछ नहीं। एखादा टॉपर असेल त्याला वाटत असेल की फोर्थ फर्स्ट सेकंड आमच्या सारख्यासाठी पास होण्यास इम्पॉर्टंट आहे। One of my seniors asked me to wipe her spectacles, which I did not want to do. Nahi, it wasn't done because the senior had even thought about it and said it. I started to dance with baby dolls, so I didn't want to do it. Yes, it was very good, but I did the same thing with our junior. Parampara, Pratishtha, Anushasan. Not exactly the same, but somewhat here and there. Actually, there are few people who are really jolly, like the KC Bhaiya. But yeah, I guess we have a partial KC Bhaiya. Like half of his personality exists, but the motivation part is absent in our seniors. म्हणजे फेल होणारे सीनियर नाही पण सपोर्ट करणारे सीनियर आहेत आमच्याकडे। नाही, आमची युनिव्हर्सिटी कधी कोणाच्या एवढे वेळ ठेवत नाही। एस्पेशली ऑल माय स्कूल फ्रेंड्स, दे आर लाइक अभी तो मेहनत कर लो पर बाद में तो पैसा ही पैसा है। आय गेस एव्हरी वन वन्स ऑर ट्वाइस इन देयर एंटायर लाइफ टाइम हॅज सेड दिस टू मी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टँडर्ड, अँड देन इट हॅज इन्क्रीज्ड इन फ्रिक्वेन्सी इन एमबीबीएस।
दोन तीन चार पाच खूप लोकांनी नेहमीच विचारत राहतो. शंभर दोनशे इनफायनाईट. One eternity later. How many relatives? I can't even count. हर टाइम कहीं भी जाऊँ मैं, कहीं भी मतलब कोई भी ऐसा सिंगल प्लेस नहीं रहता जहाँ पे रिलेटिव्स मुझे ये ना बोले कि यार तेरा तो MBBS हो जाएगा ना, तेरी लाइफ सेट है. सगळेच म्हणजे जो भेटला ते विचारतच की म्हणजे असं म्हणतच की लाइफ सेट आहे, लाइफ सेट आहे. Every relative in every shadi was a part of one committee, but I was not in the sponsorship ka part, so no. I had joined a cultural committee, and yes, I did struggle for sponsorship. We asked an MR for sponsorship outside the gastroenterology department. I joined few committees, but the motive was not to become famous. It was just to have some experience and all. And no, I was not in the PR committee, so I didn't go for any sponsorship. Robbins, konta subject hai? Oh my god! Wow! Harsh Mohan. Basically, I recommend every second year student to study, read from Robbins, and because बहुत अच्छी book है. मुझे पता है कि जब हम exam के लिए पढ़ रहे हो तो हर्ष मोहन, and ऐसा ही start करना है पढ़ना तो Robbins से start करो. ऐसा क्या बोल रहा था हर्ष मोहन? Robbins मध्ये concept चांगले म्हणून starting ला Robbins, पण exam च्या वेळेस हर्ष मोहन. इधर मुंह से मूंगफली ने फूट रही और तोड़ गई क्या? रॉबिन्स. मैंने रॉबिन्स बहुत थोड़ी पढ़ी है, सो हर्ष मोहन. व्हाट इज दैट? एग्जाम के सुबह सुबह पढ़ने का टॉपिक और एग्जाम में जाके सेफेलोस्पोरियन क्लासिफिकेशन. इसके बाद एक इमेज आएगा उसकी तरह लगता है मुझे सेफेलोस्पोरियन. मला तर वाटतं प्रोफेसर्सला पण येत नसेल, त्यामुळं मी कधी असं विचार नाही केला की पाठ करू आपण तिकडे. सेफेलोस्पोरिन KDT 8th एडिशन पेज नंबर 776 या साईडला. मला तर फक्त ते CCCC होतं त्याच्यावरून एकच वाक्य आठवते, चंदू के चाचाने चंदू के चाचू को चांदी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई. बस MBBS में डिप्रेशन या फोबिया या एंजाइटी ना होना उसके बराबर है जैसा लाइक नोबिता डोरेमोन के बिना या फिर टॉम जेरी के बिना. MBBS लिया है तो डिप्रेशन एंजाइटी फोबिया होना ही है. और इसका सेकंड पार्ट ये है कि हाउ डिड यू टैकल इट. तो बेसिकली मुझे जब भी डिप्रेशन आता है या फिर जब भी कोई भी एंजाइटी होता है, मैं सबसे पहले घर पे फ़ोन करती हूँ. बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है तो मैं घर पे जाके आ जाती हूँ, बिकॉज चेंज ऑफ एनवायरनमेंट एंड टॉकिंग टू पीपल कैन हेल्प यू टैकल योर एंजाइटी योर फोबिया. बिकॉज सबको ये चीज़ें फेस करनी है MBBS में, एंड अगर आपने फेस नहीं किया, इफ़ यू मतलब आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया तो वो सीरियस इशू बन सकता है. तो सीरियस इशू क्यों ही बनाना है, इट्स बेटर टू टॉक विद समवन एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग. इट कैन बी आइदर योर बैचमेट, इट कैन बी योर सीनियर, एनी वन. म्हणजे स्टार्टिंगला होमसिकनेस होतं, नंतर बऱ्याच वेळा अँग्झायटी, पण मग मित्र आहे रिलॅक्स होऊन जातो. एक्झामच्या टाइमला अँग्झायटी आणि टॅकल म्हणजे काय नाही, परत परत वाचायचं. बस नाही, तसं वर्षभर काहीच वाटत नाही, पण शेवटी एक्झामच्या वेळेस पद्धतशीर फाटली. अब तो आदत है हमको ऐसे जीने में. आई गेस नॉट हैविंग फोबिया डिप्रेशन एंड एंग्जायटी ड्यूरिंग MBBS इज अबनॉर्मल. MBBS एमच मेंटल डिप्रेशन स्टार्ट होते. एस म्हणजे स्ट्रेस. आय नेव्हर हॅड. येस टू अ लेसर एक्सटेंट, बट या इट वॉज देअर अँड आय टॅकल्ड इट बाय टॉकिंग टू फ्रेंड्स. पुराने जखमों को खुरद के क्या मिलेगा तुमको. आधीला तर ऑनलाईन थेरी एक्झाम व्हायची म्हणून चांगलं वाटायचं, पण आता फायनल इयर कॉम्प्रोमाइज झालं त्याच्यामुळे थोडंसं ताण येतंय, बाकी काही. मला तर काही अफेक्ट नाही झालं, पण आमच्या एक्झाम्सला खूप जास्त अफेक्ट झालं. अ लॉट, बट आय वॉज नॉट थिंकिंग मच अबाउट एक्झाम्स.
it also affected our enjoyment period and everything. How much COVID has affected me? COVID ne sirf तारीख पे तारीख दिया है बिकॉज हमारे एग्ज़ाम्स अराउंड 5 times पोस्टपोन हुए, जैन, फेब, फिर मार्च, फिर अप्रैल में गैप दे दिया, फाइनली जाके जून में हमारे एग्ज़ाम्स हुए एंड फाइनली अब देखते हैं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं. 3 times पोस्टपोनमेंट एंड ईच पोस्टपोनमेंट लेड टू अ डिक्रीज इन स्टडी. आमच्या इथं रूममेट्स म्हणून आम्ही एक क्रश अशी होती, आमची फॅन क्लब बनवला होता व्हॉट्सअपवर. हो म्हणजे खूप होते, प्रत्येक बॅच मध्ये 2-3 तरी असतील. कोटाळ डाच पाहिजे. 7-8 सॉरी आणि एक रूमची कॉमन, आम्ही दोघे रूममेट आहेत त्यामुळे हा खूप जास्त जण आम्हाला रेसिडेंट मी खास पोस्टिंग कॉलेज मध्ये पाय ठेवतात. हाउ कॅन यू नॉट हॅव. निमोनिक बनवायचा प्रयत्न केला होता पण ऐन एक्झाम मध्ये क्वेश्चन आठवला नाही नेमकं कशाची निमोनिक होती. नाही मी तर कधीच म्हणजे प्रयत्न केला नाही की निमोनिक ने लक्षात राहील आपल्या, तर कधीच नाही. मी पण नाही. टॉपर खोटं नको बोलू. निमोनिक, निमोनिकचं स्पेलिंग सांग. PSNOPA निमोनिक. 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह जी हद से. PSN विदाउट निमोनिक्स इज इम्पॉसिबल. सवा 3% 5-10% मी तर एकच म्हणेल की ऑपरेशन MBBS में उतना MBBS था जितना गुलाब जामुन में गुलाब होता है. 2% 9% ऑपरेशन MBBS का कुछ पार्ट, लाइक आई थिंक 10% ऑफ ऑपरेशन MBBS इज व्हाट MBBS स्टूडेंट लाइफ इज. तो उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है, जैसे जब वेपर्स टेस्ट करने के लिए बोला तो ऐसा कुछ होता नहीं है MBBS लाइफ में. यूरिन एग्जामिनेशन का जो था वो मतलब पी जाता है, ऐसा होता नहीं है. डीन के ऊपर सीधा कंप्लेन, डीन के ऑफिस में इतना फ्रैंकनेस, तुम्हारे प्रोफेसर्स और लेक्चरर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता MBBS लाइफ में. सो आई थिंक दैट ओनली 10% वॉज रिलेटेबल टू आर लाइफ. एंड हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज का ऐसा कैंपस नहीं होता. आई वुड से 40% मे बी बिकॉज आर कैंपस, our hostel is nothing like them. And yeah, the interaction between teachers and students, so it was not very formal, but the pressure and few senior junior interactions, they are true. Yes, 50%. I will answer this question if the team operation MBBS agrees to let me play a role in their next season. Buddhi bahut tez hai tumhari.